ऋषिकेश भारतीय जनता पार्टी ने भाजपा कार्यालय में स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। इस अवसर पर अनेकों नए पुराने कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर मिष्ठान वितरण का भी आयोजन किया गया। वक्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस पर अपने अपने विचार रखे। हमारे सामने स्थिति हमारे सामने है, विशेष मौका हमारे सामने है कि जब हम पार्टी का स्थापना दिवस मना रहे हैं और उसके साथ साथ लोकतंत्र का महापर्व चुनाव हमारे सामने है। भाई बहनों, सिर्फ दो तीन बातें मुझे कहनी, बहुत लंबा नहीं बोलूं, क्योंकि जो मैं बोलना चाहता हूँ सब समझते हैं। आप याद करिए, जो 2013 में, 1980 में आज के दिन भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई, और जो पुराने कार्यकर्ता यहाँ खड़े हैं, आदमी कुसुमा सिंगल जी हैं, चेतन जी हैं, हमारे भाई संजय जी, तो खैर उस समय हमारे साथ में विषय को समझते हैं, और भी हमारे भाई संजय जी हैं, उधर देखे तो हमारे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं। अब आप देखिए, उस समय जब ये पार्टी बनी थी तब लोग हमारे उपहास करते थे, मजाक उड़ाते थे, ये कहते थे ये भारतीय जनता पार्टी वाले, ये जनसंघ वाले, ये भी कभी राज करेंगे। और उसके बाद जो पहला लोकसभा का चुनाव हुआ 1980, दो लोकसभा के सांसद जीत गए, सिर्फ दो लोकसभा, 543 में से दो सांसद। अटल बिहारी वाजपेयी जैसा नेता भी चुनाव हारा। अब आप कल्पना करिए, अटल बिहारी वाजपेयी जी का हारना हमारे सामने कितना बड़ा सेट बैठता, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने हार नहीं मानी। हमारे कार्यकर्ता हमेशा जूझते रहे, काम करते रहे, अपने आप को आगे बढ़ाते रहे, संघर्ष करते रहे। एक छोटा सा उदाहरण है, मेरे जब मैं रोहरा रहता था और कांग्रेस से जब हमारी बातचीत होती थी, बहस होती थी, तो हमारे बारे में एक शब्द बोला करते थे कि ये भी राज करेंगे, ये भी कभी राज करेंगे। संजय भाई, शब्द सुनिए, मैं गहराई पे जाइए, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के बारे में कांग्रेस की राय क्या थी कि ये भी कभी राज करेंगे, मतलब हमें राज करने की स्थिति में कभी माना नहीं। सिर्फ ये मानते थे जनसंघ वाले हैं, ये भारतीय जनता पार्टी वाले हैं, ये शहरों की पार्टी है। लेकिन भाई मैंने उसके बाद आप आके देखिए, मैं उसका लंबा चौड़ा इतिहास नहीं बताऊं, लेकिन आप ये देखिए कि 1980 के बाद जो दो सांसद जीतने वाली पार्टी मेहनत करती है, तो 89 के अंदर हमारी सीटें बढ़ के 85 हो जाती है, 91 बढ़ के और बढ़ जाती है, 120 हो जाती है, यानी लगातार हमारा ग्राफ जनता के बीच में बढ़ता है। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। आज 44 वर्ष हो गए हैं। इस 44 वर्ष के जीवन यात्रा में हमने अनेकों उतार चढ़ाव देखे हैं। जब 1980 के बाद पहला लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमें मात्र 2 सीटें मिलती हैं, अटल जी जैसा नेता चुनाव हारता है, और उसी 6 अप्रैल 2024 को आज हमने अपने कार्यकर्ताओं के दम पे, जनता के विश्वास के दम पे, जनता के विकास कार्यों के दम पे, और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, कोई जातिवाद नहीं,
कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई परिवारवाद नहीं, सिर्फ एक वाद वो है विकासवाद के दम पे। आज जब लोकतंत्र का महापर्व है, चुनाव है, तो आज हमने जहां 2 सांसद, आज हम 400 सांसदों की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता, अनुशासित कार्यकर्ता, हमारे वो कार्यकर्ता जिनके दम पे आज हम इस स्थिति में है कि जहां देश के अंदर तीसरी बार पूर्ण बहुमत की नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है, जहां 17-18 राज्यों में हमारी सरकारें हैं, और जितने भी बात कहें, सबसे बड़ी बात कि आज जनता में भारतीय जनता पार्टी के प्रति, माननीय मोदी जी के प्रति भरोसा है। उस भरोसे के दम पे हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से आज कांग्रेस, तमाम उनके बड़े नेता, अन्य पार्टी वो बड़े नेता आज अपने अपने दल छोड़ के भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अनुसरण कर रहे हैं, माननीय मोदी जी के नेतृत्व को पसंद कर रहे हैं, उनके विकास को पसंद कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में मैं कह सकता हूं कि ये जो 44 साल की जीवन यात्रा है, इसमें हमारे कार्यकर्ता, जो अनुशासित कार्यकर्ता, देवतुल्य कार्यकर्ता ही के दम पे आज हम आने वाले समय पे और आगे बढ़ने वाले हैं। पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अनुशासित यदि कहीं कार्यकर्ता है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में है। देवतुल्य हम बोलते हैं का मतलब कि उनके अंदर जो भावना है, जिस प्रकार से वो काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं, ईमानदारी और कर्मठता के आधार पर काम करते हैं, ऐसे राष्ट्रभक्त हमारे कार्यकर्ताओं के दम पे हमारी भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के साथ साथ हमारे पास जो नेता है वो भी विश्वव्यापी लोकप्रिय नेता हमारे सामने है, यानी कि हमारी नीति भी, हमारी नियत भी, हमारा नेतृत्व भी आज जनता के सामने एक अपने आप को स्थापित कर रहे हैं, और भगवान करे उनकी उम्र लंबी हो, वो स्वस्थ रहे, इसी कामना के साथ हम चुनाव प्रचार में और चुनाव के बीच में भी जा रहे हैं। मोदी जी, नए जो कार्यकर्ता आ रहे हैं उनको क्या संदेश देगा, क्योंकि अधिकतर जो महत्वाकांक्षी सभी की होती है और ज्यादातर ओवर अगर देखा जाए तो ओवर वर्किंग करोड़ों कार्यकर्ता है, पार्टी कैसे मैनेज करेगी, बड़ा संदेश है। देखिए, हमारे यहाँ एक बात कही जाती है, हम हिंदू संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, जब किसी बच्चे की शादी होती है तो बहू घर के अंदर आती है, उसके सोच, उसका व्यवहार, उसका आचरण अलग होता है, और जब वो परिवार में शामिल होता है तो कुछ बहू समझती है, कुछ परिवार समझता है, तो यानी कि कार्यकर्ता भी समझेंगे और हम भी समझेंगे। तो आने वाले टाइम पे हमारे वो कार्यकर्ता यदि हमारी भारतीय जनता पार्टी की आइडियोलॉजी के सिद्धांतों के आधार पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो स्वाभाविक आने वाले टाइम पे वो भी भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने, भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त बनाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारा कुनबा जो बढ़ रहा है वो आने वाले टाइम पे और बढ़ेगा, और ऐसे कार्यकर्ताओं का मैं स्वागत कर रहा हूँ। चलो, दिन है आपकी पार्टी का, तो यहाँ तक पार्टी पहुंच चुकी है, कैसा क्या कहना है आपका जो है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिवस की उन असंख्य 18 करोड़ कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, और इस शुभ अवसर पर मैं स्मरण करना चाहूंगी पार्टी के उन संस्थापक महापुरुषों का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का, भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी का, कि जिन्होंने की पार्टी को खड़ा करा, पार्टी को एक छोटे से पौधे के रूप में लगाया था और आज वो वट वृक्ष बन चुका है। दो सांसदों से शुरू हुई पार्टी आज 303 सांसद पार्लियामेंट में हैं, और इस समय हम सभी बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा जो 44वां स्थापना दिवस है, 45वां हमारे प्रवेश कर रहा है, और इस समय हमारा चुनाव 2024 का चुनाव भी है, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व ये चुनाव हमारा इस समय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है 400 पार, तो निश्चित तौर पर इन देवतुल्य कार्यकर्ताओं के दम पर हमारी जन कल्याणकारी, गरीब कल्याणकारी नीतियों के आधार पर जो हमारे केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार की, आदरणीय मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं उनके आधार पर हम निश्चित तौर पर 400 पार होंगे, और हरिद्वार लोकसभा से 5 लाख पार करके हम अपने प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को जिताकर भेजेंगे। ऋषिकेश की यदि मैं बात करूं तो 1 लाख के मार्जिन से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को यहां से विजय बनाकर भेजेंगे, और आदरणीय मोदी जी के हाथों को मजबूत करेंगे, और जो विकसित भारत का, जो हमारे आने वाले भविष्य सुरक्षित, उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाला जो ये चुनाव है, तो इसमें सभी अपने आहुति डालेंगे, अपना योगदान देंगे।
गांधी जी आज खासकर शास्त्री जी आज जो खासतौर पर बेटी का जन्मदिन है, इतने सालों में कहाँ क्या समझते हैं आप, जो है क्या रहेगा आगे, जो है पार्टी का परफॉर्मेंस की बात करें? निश्चित जानिए कि सबसे पहले तो मैं अपने तमाम कार्यकर्ताओं को और पार्टी के जो भी शुभचिंतक है उन सबको इस स्थापना दिवस पे 45वां वर्षगांठ मना रहे हैं इस पे बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। और जहाँ तक इस पार्टी का जिन वैचारिक सिद्धांतों के साथ, नीतियों के साथ जिन महान पुरुषों ने इसकी स्थापना की थी, आज वो स्वप्न उनका साकार होता दिखाई दे रहा है और ये देश बहुत तेजी से प्रगति की ओर बढ़ रहा है। 2014 के बाद जब हमारी नीतियों की सरकार आई, हमारे नेता नरेंद्र मोदी आए, तो इस देश ने विकास को देखा, इस देश ने हर क्षेत्र में आर्थिक प्रगति को देखा, सैन्य क्षेत्र में प्रगति को देखा, विदेश नीति में प्रगति को देखा। तो आज ये महसूस होता है कि ये सब अगर आज से 60-70 साल पहले किया जाता तो आज ये देश दुनिया के श्रेष्ठतम देशों में से होता। लेकिन आज हम मुझे पूरी उम्मीद है कि आज जो नीतियां हमारी हमारे नेताओं ने जो इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो काम किया है, उससे ये देश दुनिया के पहली सफलतम देशों में शुमार होने वाला है। और इस बार जो हम 400 पार करेंगे तो इस देश के अंदर पूर्णतया हमारे नीतियों हमारे सिद्धांतों की स्वीकृति ये देश देगा, जो हमें लगता है कि निश्चित रूप से जो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने कहा है 400 पार, तो वो स्वीकृति जो है हमारी नीति और सिद्धांतों की और विकास की स्वीकृति ये देश की जनता देने वाली है और ये देश निरंतर प्रगति की ओर बढ़ेगा। हम दुनिया में उन्होंने कहा है तीसरी आर्थिक शक्ति बन जाएंगे और ये हमारे जीवन का उद्देश्य भी होना चाहिए और हर राजनीतिक दल का हर मतदाता का ये उद्देश्य होना चाहिए कि देश प्रगति करे। लेकिन सवाल ये उठता है कि सबसे बड़ी पार्टी है, लाखों कार्यकर्ता है, करोड़ों कार्यकर्ता है, तो ऐसे में किसी भी उसको प्रबंधन की बड़ी जरूरत होगी, तो कैसे प्रबंध करेगी, कैसे मैनेज करेगी पार्टी? मुझे ये लगता है कि पार्टी के जो पुराने अनुशासित कार्यकर्ता है वो तो इस पार्टी की रीति नीति को जानते हैं, जो नए लोग हैं वो धीरे धीरे इसमें ढल जाएंगे। और ये देश ने इस चुनाव को अपने हाथ में लिया है, जब आप घूमेंगे तो आपको मतदाता बहुत ज्यादा मुखर नहीं है, लेकिन जब भी आप पूछेंगे तो उसके मुंह से मोदी या बीजेपी निकलता है। तो ये जान लीजिए कि ये चुनाव कार्यकर्ता भी नहीं, ये जनता स्वयं लड़ रही है, जनता जानती है कि इस देश का हित किसके हाथ में है, किस नीतियों के सिद्धांतों के पीछे चलने वाली पार्टी के हाथ में है, किस नेता के हाथ में, तो इसलिए ये सब हमारे लिए कोई ज्यादा चिंता का विषय है। आपको लगता नहीं कि वे एक तरह से पार्टी की बजाय केंद्रित एक मोदी जी पर हो गया है? नहीं नहीं, मोदी जी को भी तो इस पार्टी ने बनाया ना, इस पार्टी ने उन्हें मौका दिया है और वो नीतियां जो भी मोदी जी कर रहे हैं वो हमारे संगठन की नीतियां हैं और संगठन की विचारधारा के साथ साथ संगठन की सोच भी यही थी कि दुनिया में हम स्थापित हो, आज हम हो रहे हैं। हमारी जो किसी के मार्फत हो, चाहे कोई व्यक्ति, एक तो नेतृत्व करता ही है, आज हमारे नेतृत्व में मोदी जी है, कल अगर वो मोदी जी जिस दिन सत्ता छोड़ेंगे तो उस दिन कोई दूसरा नेतृत्व करेगा और उसे भी सफलतम नेतृत्व करेगा। तो इसमें व्यक्ति नहीं है, विचार नेतृत्व कर रहा है, पार्टी उसमें अपना रोल अदा करते हैं, हम कार्यकर्ता रोल अदा करते हैं और उसमें हमारी मदद जनता करती है। धन्यवाद जी। लोकतंत्र का पर्व चल रहा है, इस बीच में जन्मदिन भी मनाया जा रहा है आपकी पार्टी का, 44 साल हो चुके हैं, क्या कहेंगे? आज 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी और आज 45वां स्थापना दिवस हम लोग मना रहे हैं और पूरे देश के अंदर, पूरे प्रदेश के अंदर इस उत्सव को भारतीय जनता पार्टी के लोग, पूरे देश के लोग बहुत खुशी से मना रहे हैं। और बहुत खुशी की बात है कि इसी समय लोकसभा का चुनाव भी है और इस समय जो पूरे देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, जो मोदी जी ने पूरे देश के अंदर जो कार्य किए, चाहे वो रसोई का हो, शौचालय का हो, मकान का हो, बिजली का हो, पानी का हो, सड़क का हो, स्वास्थ्य का हो, और पूरे विश्व के अंदर जो साख मोदी जी बनाई है उसको देख करके पूरे देश के अंदर इस समय बहुत जोश खरोश है, बहुत उत्साह है। मुझे लगता है कि इस बार जो लोकसभा चुनाव में सीटें भारतीय जनता पार्टी की आएंगी वो विश्व रिकॉर्ड बनेगा, भारत का एक रिकॉर्ड बनेगा। तो लोगों को ये पता है कि नरेंद्र मोदी जी देश का विकास कर सकते हैं, देश को ऊंचाइयों में पहुंचा सकते हैं। 10 साल के अंदर जो विकास करा और जो आने वाले 5 साल में विकास होगा वो लोगों को पता है कि अभूतपूर्व विकास होने वाला है। उनके मन में बहुत ऐसी योजनाएं हैं जो अभी रह गई हैं, वो जो देश हित में है, ऐसी योजनाओं के लिए सब लोगों को पता, पूरा देश इस समय मुझे लगता है कि सब सीटें हम उत्तराखंड की ऐतिहासिक मतों से जीतने वाले हैं और हमारा ये लक्ष्य है कि हम प्रत्येक सीट को 5 लाख से अधिक मतों से जीते। तो सभी कार्यकर्ता इसके लिए तन मन धन से जुटे हुए हैं, मैं सभी कार्यकर्ताओं को बहुत बधाई, इस अवसर पर बधाई देना चाहता हूँ। स्वरूप और नीतियां तो वही है, स्वरूप और रूप
कुछ बदल चुका है, पार्टी संगठन का भी, ऐसे में कार्यकर्ता के लिए चुनौती है? नहीं, पूरे देश करेगा या पार्टी करेगी? पूरे देश के अंदर सारी पार्टियों में पतझड़ आ गया है। पूरी पार्टियां जो विपक्ष की पार्टियां सब परिवारवाद से जुड़ी हुई है, उनको पैसा कमाना है और परिवार की चिंता करनी है। उनको सब पार्टी के लोगों को पता है कि जो विपक्ष की पार्टी है वो देश के हित के लिए नहीं है, वो सनातन की विरोधी पार्टी है। और वो सब ये सबको मालूम है कि देश का हित जो है, राष्ट्र का हित है, वो भारतीय जनता पार्टी में ही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति वो सीख भी रही है। और मुझे लगता है कि वो सब लोग हमारे भारतीय जनता पार्टी में ढल जाएंगे, क्योंकि हमें जो भी लोग आए हैं, जो जैसे भी हमको, हमें सब ठीक करना, उनको देश की रीति नीति के बारे में, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में बताना है। ये पूरा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी लगातार, हमारा कोई भी काम रहा, हमने हमेशा गरीब लोगों को आगे रखा और गरीबों को आगे रखते, उनके मूल्य को आगे रखते हुए हमने कभी कार्य बनाए, अपनी हमारी समाज निर्माण हमारे जो हमारे पूर्वजों ने हमें राहत दिखाई, आज हमारे मोदी जी, आज मोदी जी, योगी आदित्यनाथ जी, कहीं ना कहीं हम लोग कभी उसी राहत आके हमारा काम, हमारा काम, हमारे काम, हमारे काम की क्षमता हम लोग कार्यकर्ता भी कहीं ना कहीं ये बोलता है कि कार्यकर्ता हो तो भारतीय जनता पार्टी जैसा हो, नेता हो तो भारतीय जनता पार्टी जैसा हो, कार्यक्रम हो तो भारतीय जनता पार्टी जैसा हो। मैं समझता हूँ कि आज हम लोग बड़ा संघ है, हम लोग अपने आप को बड़ा संघ करते हैं कि हमारे नेता नरेंद्र मोदी है, हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी रहे, हमारे नेता लाल कृष्ण अडवाणी रहे, हमारे नेता मुरली मनोहर जोशी रहे, हमारे नेता पुष्कर सिंह पाठी है, हमारे नेता गरीबी सबका नरसिंह जी आज शिशु मंत्री ने प्रकाश